हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आगे भी रहोगे। और वीडियो शुरू करने से पहले जो भी नए व्यूवर्स हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सभी मिलकर लाइक कर देना और अपना प्यार दिखा देना और वीडियो को एंड तक देखना, तभी तो आपको स्टोरी समझ आएगी। तो जब गोकू कैंग के एक वेरिएंट को मार देता है और डॉक्टर स्ट्रेंज के पास आ जाता है, तब डॉक्टर स्ट्रेंज गोकू को बताता है कि अभी वो मरा नहीं है। गोकू कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो, मैं अभी तो उसे मार कर आया हूँ। तब डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है, तुमने जिसे मारा है वो बस उसका एक वेरिएंट है, मतलब कि वो उसका पास्ट वाला वेरिएंट है और ऐसे काफ़ी हैं। तब गोकू पूछता है, उसे मारने का तरीका क्या है। स्ट्रेंज बताता है, मुझे नहीं पता, क्योंकि जब भी उसे मारते हैं तो वो फ्यूचर से वापस आ जाता है, और उसे फ्यूचर में मारते हैं तो उसका भी एक वेरिएंट निकल आता है। तब गोकू सोचता है, उसे मारने का तरीका क्या हो सकता है। फिर गोकू को कुछ आइडियाज आते हैं। गोकू पूछता है, तुम्हारे पास कितने सुपर हीरोज हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है, मैंने गिने नहीं, लेकिन हमने एक वॉर लड़ी है जिसमें हमने थैनोस की आर्मी को हराया था। गोकू पूछता है, क्या वो लोग कैंग से लड़ पाएंगे। स्ट्रेंज बताता है, नहीं, क्योंकि सभी के पास अलग अलग पावर्स हैं, कुछ पावरफुल हैं और कुछ कमज़ोर भी। फिर गोकू एक आइडिया और देता है और कहता है, अगर हम कैंग को उसी के टाइमलाइन में जाके मारे तो। स्ट्रेंज कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। गोकू कहता है, अगर कैंग अलग अलग टाइमलाइन में है तो मेरे भी तो अलग अलग वेरिएंट्स होने चाहिए। स्ट्रेंज बताता है, हाँ तुम सही कह रहे हो। गोकू कहता है, तो क्या हम अलग अलग टाइमलाइन में जाकर कैंग को एक साथ नहीं मार सकते। स्ट्रेंज बताता है, हाँ मार सकते हैं, लेकिन वो फिर से आ जाएगा। गोकू कहता है, नहीं आएगा अगर तुम चाहो तो। स्ट्रेंज कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। गोकू कहता है, मेरे वेरिएंट्स अलग अलग कैंग के टाइमलाइन में होंगे और हम दोनों होंगे मेन कैंग के पास। तुम्हें तब उस वक्त टाइम को थोड़ी देर के लिए रोकना होगा ताकि कैंग टाइम ट्रैवल ना कर सके, और उस वक्त मैं उसे ख़त्म कर दूंगा और मेरे वेरिएंट बाकी कैंग को मार डालेंगे। स्ट्रेंज कहता है, ग्रेट आइडिया, तुम तो कमाल के बंदे हो। इसके बाद सीन विश पर जाता है। विश अर्थ से खाना खाने के बाद वापस से ब्रोली के पास जाता है। विश ब्रोली से कहता है, कैसे हो ब्रोली, ट्रेनिंग कैसी चल रही है। ब्रोली पूछता है, तुम कहाँ गए थे। तब विश कहता है, मैं कुछ इम्पोर्टेंट काम से अर्थ पर गया था। ब्रोली कहता है, मैंने ट्रेनिंग तो की है बट मुझे अकेले ट्रेनिंग करने में कुछ ज़्यादा पता नहीं चल रहा है। विश कहता है, हाँ मैंने इसका भी इंतजाम कर रखा है। ब्रोली पूछता है, वो कैसे। विश कहता है, बाद में तुम्हें पता चलेगा, अभी हम हकाईशिन की ट्रेनिंग करते हैं। इसके बाद विश ब्रोली को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ट्रेनिंग देने लगता है, वो भी पिरामिड ऑफ पावर के अंदर। ब्रोली को विश 7 दिन की ट्रेनिंग देता है, यानी 14 साल की ट्रेनिंग, जिसमें ब्रोली हकाईशिन की ट्रेनिंग से कुछ हद तक अल्ट्रा ईगो सीख लेता है। अब विश ब्रोली से कहता है, ब्रोली जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था, तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए मैंने कुछ इंतजाम कर रखा है। ब्रोली कहता है, कैसा इंतजाम। तब विश जिरेन को आवाज़ लगाता है और जिरेन वहाँ आ रखा होता है। तो गाइज, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी करना और कमेंट जरूर करना। और यार आप ना सपोर्ट दिखा रहे हो मेरे को, उसके लिए थैंक यू बोलना है आपको। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।